बरनवाल सेवा समिति सिवान के द्वारा सुधा वाटिका विवाह भवन में अहिबरण जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह का उद्घाटन गोपाल जी बरनवाल, शरदा प्रसाद बरनवाल, भृगुनाथ प्रसाद गुप्ता, ज्ञान प्रकाश और सरोज बरनवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह को संबोधित करते मुख्य अतिथि गोपाल जी बरनवाल ने कहा कि महाराज अहिबरण यूपी के बरन प्रदेश के पराक्रमी राजा थे। बरन प्रदेश को वर्तमान में बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर बच्चों में भाषण प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, मेहंदी रचना, नृत्य गीत प्रतियोगिता, महिलाओं की कुश्ती दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। सिवान से राकेश तिवारी की रिपोर्ट। आयोजन किया था इस कार्यक्रम का 16 साल के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अपने बरनवाल बंदियों के विकास के लिए, आपस में एकजुटता के लिए, इन लोगों को सशक्तिकरण करने के लिए, बच्चों को विकास करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इससे हमारे बरनवाल बंधु काफी खुश हैं। बहुत दिनों के बाद यह कार्यक्रम हुआ है। इसमें हमारे बरनवाल के स्पष्ट व्यक्ति काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम लोग काफी खुश हैं इस कार्यक्रम को। ये प्रतिवर्ष आयोजित नहीं होता है? प्रतिवर्ष होता है, लेकिन बीच में कुछ कारणवश 16 साल से गैप हो गया। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको प्रत्येक साल इस कार्यक्रम को करें। कार्यक्रम में क्या क्या आयोजन है, क्या क्या हुआ है? बस यही बच्चों का जो है सो वाद विवाद प्रतियोगिता, बच्चियों का नृत्य होता है, मेहंदी जो लगाया जाता है, औरतों में कुर्सी दौड़ होगा। जो बच्चे भाग लिए उनको प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम, सबको प्रोत्साहित किया जाएगा, सबको इनाम दिया जाएगा। इतने बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी तीन को तो निश्चित दिया जाएगा और बाकी लोगों को संतावना पुरस्कार दिया जाएगा। आपका परिचय? मैं शारदा प्रसाद बरनवाल, यहाँ पर जो है सोई हूँ और सिवान ग्रैंड मार्जिन सिस्टम का अध्यक्ष हूँ और भी कई संस्था। अग्रवाल सेवा समिति में कौन से पद पर है? बरनवाल सेवा समिति के अखिल भारतीय बरनवाल वैश्य महासभा का मैं उपाध्यक्ष हूँ। जैसे क्या है? हमारे पूर्वज महाराजा अहिबरण जी थे, वो एक प्रतापी राजा थे और बरन प्रदेश के वो राजा थे। उनके पराक्रम को हम लोग याद करते हैं, उनका अनुगमन करना हम लोग चाहते हैं और उनके पद पर हम लोग चल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। वो एक बहुत ही बहादुर और वीर थे और योद्धे गण के प्रवर्तक थे। कहाँ कहाँ के बरनवाल समाज के लोग आए हुए हैं इसमें? सिवान जिला से है, गोपालगंज जिला से है, मैरवा से हमारे ज्यादा बंधु हैं और महाराजगंज से है, पूरे सिवान जिला के। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि युवा हमारे शिक्षित हों और आगे बढ़े अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी चाकरी में और हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी हम भागीदारी चाहते हैं। हर क्षेत्र में वो आगे आए और आगे बढ़े। और 16 साल से नहीं हो रहा था तो इसका संगठन का चुनाव भी होगा या पहले का जो है वही चल रहा है? नहीं, संगठन का चुनाव जो पहले हुआ था वो 16 साल में खत्म हो गया। अब जो है नया, फिर आज ही संगठन का चुनाव भी हम लोग करेंगे। अभी चुनाव नहीं हुआ है? चुनाव अभी नहीं, चुनाव भी करेंगे। तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि हर बरनवाल परिवार एक दूसरे का सहयोग करे, समाज में उत्थान बढ़ेगा, एक दूसरे का कोऑपरेट करे। ये जाति जो है भी मतलब समझ लीजिए राजनीति का भी लाभ मिलेगा और भी बहुत सी लाभ मिलेगा। इस जब यूनाइट होकर के काम करेंगे तो बहुत काम आगे बढ़ेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं सरोज कुमार वर्मा,
त्रेन पीएम के जिलाध्यक्ष हैं।